हैं आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दें, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो उस बात ही नहीं करते आप। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में ये मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का मुकद्दर ये बना चुके हैं कि 60% ड्रॉप आउट रेट है क्लास 5 से 5-6-7 साल की उम्र, 14 साल की उम्र तक। 2% मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 3% इंटर पास करते हैं, 12th पास करते हैं। ये मुकद्दर बना चुके हैं। जेल में 27% मुसलमान है, ट्रायल। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी। और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बागेल साहब को ऐसे ही बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का आउट है, उनकी जात का आउट है, कास्ट का आउट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है, सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है, तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट, क्यों नहीं जीत पाए? आज एक एग्जांपल, आज हम रुदौली जा रहे हैं, वहां पर जैदी साहब एक कैंडिडेट होते थे समाजवादी के एमएलए, वो 2012 में हारे 1,000 वोट से, 17 आया तो 31,000 वोट से हार गए, और वहां पर यादव साहब जीत गए। बताए ना समाजवादी के लोग कि जैदी क्यों हारे और यादव क्यों जीत गए। इतनी मिसालें हम दे सकते हैं। खाली मुसलमानों के सहारे आप क्यों जीतना चाहते हैं? मुसलमानों के सहारे अकेले आप क्यों जीतोगे? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं तो अल्लाह के सहारे जी रहा हूं और कामयाब हूंगा। आपने गलत फहमी, आपको हाँ बिल्कुल मिला रहे हैं भाई। कौन कह रहे हैं नहीं मिला रहे हैं? आपने कहा कि आगे क्या करेंगे, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं। अभी हम राजभर साहब के साथ हैं, मुख्तलिफ हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, पार्टीज के साथ हैं। हाँ हाँ, राजा भैया की बात कर रहे हैं। जब राजा यहाँ बैठा है ना आपके सामने, हम खुद बैठे हैं भाई, क्यों आप बात कर रहे हैं? ओबीसी साहब, बिहार का उदाहरण आपके सामने है, विपक्ष के बिखराव के चलते नीतीश की सरकार बनी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से? फिर से आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं। नहीं, आपको जिम्मेदार है, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। कितने अच्छा, अब ठीक है, चलिए अब आपसे बहस होगी। अब बताइए कितने सीट है मैम लड़ी? बिहार में आप 5 सीटें जीते। लड़े कितने? अरे आपने 60-70 सीटों पे। झूठ झूठ झूठ, अब अपना मजाक मत बनाइए, ठीक है? मजाक मत बनाइए, आपकी झूठ साबित होगी। छोड़ ठहरिए, अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए आपकी इग्नोरेंस को तो हम नहीं हटा सकते, पर आपको बता रहे हैं। आपने कहा बिहार में 60-70 लड़े हम, आपने कहा ना अभी नहीं लड़े। सुनिए, नहीं लड़े, 20 लड़े, 19, चलिए जीते कितने? 5। बाकी 9 सीट पर गठबंधन जीत गया हमारे खिलाफ। 5 सीट, सुनिए, 5 सीट पर एनडीए जीत गया, और 9 और 5 के अगर वोट्स मिला भी लेंगे आप, तब भी वो मेजोरिटी के करीब नहीं है जो जीते वो लोग। मेरे भाई जरा रिसर्च कर लीजिए, हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है।
आपका सवाल ये है, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती है? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक हैं। हमारा अतीत ही हमारी एकता का। हाँ रणबीर साहब बोलिए ना। रणबीर आप कहाँ है? रणबीर भाई दिख गया, बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का के 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। ये मैंने कहा। हाँ नहीं नहीं देखिए, वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर ले। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपी के इस इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन 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 बना रहा है? ऐसे नाम नहीं लेने का मतलब है, किसी पार्टी का नाम नहीं लेने। अरे आप क्यों डर रहे हैं? BJP कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए। तो सुनिए, हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपए हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए अफगानिस्तान में, हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है, और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर इंजीनियर इंडियन मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की, जो मैं दोहरा देता हूं आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने ये पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर वन, अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें, जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं, ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं, और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। पांचवी बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ, जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने
भारत के मुसलमानों को दूर करके उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवाल आते हैं, और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है बहसियत एक इंडियन के। ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं जिसको सरकार को जवाब देना है। नहीं नहीं, आप मुश्किल पूछिए ना, आप कोई मैथ्स के टीचर तो नहीं है हमारे। इसके सर पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए, हम तो बात करेंगे, हम तो बोल रहे हैं, हम बात करने तैयार है, वो बात तो करें ना सर। वैसे साहब एक सवाल मेरा है कि विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस जो भी है, आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है उत्तर प्रदेश में सर? आपको आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे, 10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे इतना फिरेंगे, हम आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर रहे हैं एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की तो यकीनन मानता हूँ, मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदार डॉक्टर साहब हमारे उत्तरौला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40-50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है, 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूँ उस बात पर, मगर अब है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है OBC है और अल्पसंख्यक जो है वो रोडों पे दिखे, लेकिन आपकी पार्टी उनको समर्थन करती नजर नहीं है। रोडों पे दिखे, अभी भी रोड पे हैं। इसने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा? नहीं नहीं, एक मिनट, अखिलेश यादव ने फाड़ा, कांग्रेस ने फाड़ा, कौन किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून दो मजहब के लोगों को, मजहब के बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है? हमने कहा, आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से बात को देखिए। इसी आपकी बात, आपका सवाल सही है मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं है। वैसे साहब, योगी आदित्यनाथ के लिए आपने कहा कि इंशाल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आप चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पर, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और समय क्या है? देखिए, आप जानते हैं BJP के एक MP हैं पाल साहब, जानते हैं ना, पाल साहब बने थे ना मुख्यमंत्री। हम भी तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट है, कर्नाटका में येदुरप्पा बने, होता है भाई, हो सकता है, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से BJP को हराया जाए, हमारा कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने, हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से 9 श्रृंखला आवाज उठाए, तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसमें बुरी बात क्या है, इसमें तकलीफ क्यों होने, क्या बात है? 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं? अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगे, हो सकता है क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, बराबर देंगे, OBC हमारे भाई है, दलित हमारे भाई है, क्यों नहीं देंगे, बराबर देंगे, एप्लीकेशन भी है, बहुत से लोग अप्लाई करे, बिल्कुल देंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। ओबीसी समाज के लोग रिजर्वेशन के खिलाफ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, ओबीसी समाज के लोग रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो आपके पार्टी का क्या स्टैंड? वो ये कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में कहा कि ओबीसी समाज का सेंसस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मुसलमानों में भी OBC हैं, उनका भी सेंसस होना चाहिए।